नमस्कार, ओपन अप बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। डाउनलोड करें ओपन अप ऐप, इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क। स्विट्जरलैंड ने जारी की 11 भारतीयों की लिस्ट, काला धन वापसी की उम्मीदें बढ़ी। स्विट्जरलैंड ने उसके बैंक में अकाउंट रखने वाले भारतीयों की एक लिस्ट जारी की है, साथ ही उसने ऐसी और लिस्ट जारी करने का प्रोसेस तेज कर दिया है। पिछले हफ्ते उसने 11 भारतीयों को इस संबंध में नोटिस दिया। स्विट्जरलैंड के अथॉरिटीज ने मार्च से अब तक 25 भारतीयों को ऐसे नोटिस दे दिए हैं और साथ ही उन्हें इसके खिलाफ अपील करने का एक आखिरी चांस भी दिया। स्विट्जरलैंड अपने बैंक अकाउंट होल्डर्स की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखता है और इसीलिए एक बड़े ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर के रूप में जाना जाता है। लेकिन टैक्स चोरी के मामले में उसने पिछले कुछ दिनों में एक इंटरनेशनल लेवल पर अग्रीमेंट किया। इस अग्रीमेंट में काफी कंट्रीज ने पार्ट लिया, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट भी है। इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अब वो ऐसे इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिव कंट्रीज के साथ शेयर करेगा। अपने बैंक्स के फॉरेन कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन शेयर करने से रिलेटेड स्विट्जरलैंड के फेडरल टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया। उस नोटिस के अनुसार उसने पिछले कुछ टाइम से ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने का प्रोसेस तेज कर दिया है। पिछले कुछ वीक से भारत से संबंधित मामलों में ज्यादा तेजी आई है। स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक की गई इंफॉर्मेशन में कस्टमर्स का पूरा नाम नहीं बताया, बल्कि उसने शुरुआत के कुछ अक्षर बताए हैं। इसके अलावा उसने कस्टमर्स की नेशनैलिटी और डेट ऑफ बर्थ भी बताई है। इस नोटिस के अनुसार 21 मई को उसने 11 भारतीयों को नोटिस जारी किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ऐसा करने से इंडिया में काला धन वापस आएगा, क्या और भी भारतीयों को नोटिस जारी होगा, क्या इस नोटिस से एक्चुअल में कोई फर्क पड़ेगा, या फिर स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट पहले की तरह फिर से कोई बहाना लगाकर इंफॉर्मेशन शेयर करने से मना कर देगा। क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से इंडिया में काला धन वापस आ जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए ओपन अप बिजनेस के साथ बने रहें। डाउनलोड करें ओपन अप ऐप, इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।